हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम बात करेंगे मेक्सिको के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के सदर्न पार्ट में स्थित है। यह मिडल अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इस वीडियो में हम जानेंगे मेक्सिको के जियोग्राफी के बारे में, मेक्सिको के इतिहास के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित है। मेक्सिको के नॉर्थ में यूएसए स्थित है। मेक्सिको अपनी सबसे बड़ी बॉर्डर यूएसए से ही साझा करता है, और मेक्सिको दक्षिण में ग्वाटेमाला और बेलिज से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। मेक्सिको के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर है और पूर्वी भाग में गल्फ ऑफ मेक्सिको है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत। यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, फिर इसके पश्चिम में ये नॉर्थ अमेरिका है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर्न पार्ट में ये मेक्सिको है, और यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और मेक्सिको के सदर्न पार्ट में ग्वाटेमाला और बेलीज है। मेक्सिको का क्षेत्रफल 1972,550 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, और जनसंख्या के हिसाब से मेक्सिको विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 12,87,00,000 लगभग है। मेक्सिको में सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है, और यहाँ रिलीजियस की बात करें तो 82% लगभग लोग कैथलिक हैं। मेक्सिको के नेशनल सिंबल की बात करें तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट चेरेरिया है, यहाँ की नेशनल बर्ड कैरा है, और नेशनल फ्लावर डहेलिया है। इस समय मेक्सिको में फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक की सरकार है। इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं, जो वहाँ के 58वें प्रेसिडेंट हैं। मेक्सिको के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूएसए के लेजिस्लेचर को भी कांग्रेस कहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, लेकिन मेक्सिको के संसद को कांग्रेस कहते हैं। वहाँ के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अपर हाउस है, इसे सेनेट पैलेस कहते हैं, और ये चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ है। अगर मेक्सिको के इतिहास की बात करें तो यहाँ की सभ्यता 6 पार्ट्स में विभाजित है, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व की मानी गई है। यहाँ के सभ्यता के साक्ष्य अल गीज़ा पिरामिड से मिलते हैं। यहाँ पर कई उन्नत मेसो अमेरिकन जनजातियों का घर था, विशेष रूप से मेयंस और एजटेक का घर था। यहाँ पर मेयंस और एजटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे। 1521 ईस्वी में स्पेनिश साम्राज्य ने मेक्सिको सिटी को अपने अधीन कर लिया और इसे अपना उपनिवेश बना लिया। तब इसे न्यू स्पेन के नाम से भी जाना जाने लगा। पिरामिड के रूप में पहचाने जाने वाली दो अलग अलग कलाकृतियां हैं, जिसमें एक मेयंस की है, दूसरी एस्टेक्स की है। यहाँ पर स्थित एक बहुत पुराना कैथलिक चर्च है, जिसका मेक्सिको के इतिहास से काफ़ी गहरा संबंध रहा है। मेक्सिको की आज़ादी में कैथलिक चर्च ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस वक्त लाखों मेक्सिकन निवासियों ने धर्मांतरण किया था। इसके बाद 1821 में स्पेन के खिलाफ मेक्सिकन स्वतंत्रता के सफल आयोजन के बाद मेक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था। मेक्सिको एक विकासशील देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेक्सिको की रैंकिंग 76th पे है। मेक्सिको में पैसो करेंसी यूज होती है। यहाँ की नॉमिनल जीडीपी विश्व में 15वें स्थान पर है, और पीपीपी 11वें पे है। यूएसए इसका सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार है। यहाँ पर आप कंट्री वाइज नॉमिनल जीडीपी देख सकते हैं, इसमें 15वें स्थान पर मेक्सिको है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखने वाला देश है, और विश्व में 7वें स्थान पर है। मेक्सिको इकोलॉजिकली एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। यह नेचुरल बायोडायवर्सिटी में विश्व में 5th रैंक पर है। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से मेक्सिको विश्व में 7th मोस्ट विजिटेड कंट्री था। यहाँ पे आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की ग्राफ देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स चाइना और इटली के हैं, उसके बाद स्पेन है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर इंडिया है, फिर
यहाँ पर ये मैक्सिको है। मोस्ट विजिटेड डेजिग्नेशन बाई इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स के हिसाब से मैक्सिको 7th रैंक पे है। फर्स्ट रैंक पे फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर यहाँ ये मैक्सिको है, जहाँ 2018 के हिसाब से 41 मिलियन लोग घूमने आए थे। मैक्सिको बायोडाइवर्सिटी में दुनिया में 4th स्थान पर आता है और 17वां मेगा डाइवर्स कंट्री है। मैक्सिको में 2,00,000 से भी अधिक विभिन्न प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। विश्व में मैक्सिको जैव विविधता का 10-12% हिस्सा रखता है। 707 ज्ञात प्रजातियों में मैक्सिको रेप्टाइल्स में विश्व में पहले स्थान पर है। मैक्सिको को पारिस्थितिकी तंत्र में दुनिया का दूसरा देश और समग्र प्रजातियों में 4th देश माना जाता है। मैक्सिको के ज्योग्राफी की बात करें तो मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यहाँ पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं। यहाँ रिंग ऑफ फायर में आने के कारण यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं। इसमें आप कुछ वोल्कानोज को देख सकते हैं, जिसमें कोलिमा, सैन मार्टिन और पेरिक्यूटिन इम्पॉर्टेंट हैं। मैक्सिको में काफ़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें सियरा माद्रे और सियरा डी कैलिफोर्निया इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद सियरा माद्रे में ही सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे डेल सर है। मैक्सिको का एक डेजर्ट बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है चिहुआहुआ डेजर्ट। मैक्सिको की एक फेमस नदी है रियो ग्रांडे नदी, जो कोलोराडो से निकलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 3,108 किलोमीटर लगभग है। दूसरी नदी है कोलोराडो रिवर, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। मैक्सिको के पॉपुलर सिटीज़ में एक सिटी है चिहुआहुआ। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है। दूसरा इम्पोर्टेंट शहर है यहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है। यह यहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल्चरल और फाइनेंशियल सेंटर है। मैक्सिको के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें 2014 में शामिल हुआ ये टैम्बलेक हाइड्रोलिक सिस्टम। इसका यह नाम टैप्से फ्रांसिस्को डी टैम्बल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1555 से 1572 के बीच इसका निर्माण करवाया था। ये मैक्सिको के मध्य पठार में स्थित है। दूसरा है रेविलेगुएडो आइलैंड, जिसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यह एक प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है, जहां 4 ज्वालामुखी है। ये अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। अगला है टेहुआकेन क्विक्टालेन वैली। इसका ये नाम 2 मुख्य स्थानों से निकाला गया है, जिसमें क्विक्टालेन और टेहुआकेन है। इनके अलग अलग प्रशासनिक कार्यालय हैं। यह भी अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। मैक्सिको कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। यह विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिब्रो अमेरिकन स्टेट्स का सदस्य है, जब तक चिली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य नहीं बना था, तब तक मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एकमात्र देश इसका सदस्य था। तो ये थी पूरी जानकारी मैक्सिको देश के बारे में। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और यूएसए को कवर किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।